हमारे के अंदर आए होंगे जब हम गलत कर रहे हैं रुको फिर गलती करेंगे फिर गलती कर फिर गलती कर दी ये तो 30% ये 3 साल के फंसे हैं सब बेकार इन लोग फंसे हैं हमसे 3 साल का बेकार दिन मारते रहे जो महान है सर एक आप ही हैं जो अन्य आए थे ना उन्होंने पहले ऐसी किया क्योंकि बाद में समझ आई कि ऐसा नहीं करना चाहिए तब जाके उस ऐड हो गए और आप आए ये कोई कुर्सी क्यों लगा रखी है कोई कौन है गेट में कुर्सी क्यों लगा रखी है गेट है किसी अधिकारी का उसके बाद किसी अधिकारी का बंधक नहीं बना सकता अगर 342 मुर्दा मैं लिखने को मजबूर हो जाऊंगा बिल्कुल किसी अधिकारी को बंधक कैसे बना इसमें आप सबसे पहले अगर इस मुद्दे को आप सुलझा सकते हैं तो ठीक है तो आप लोगों ने एंट्री करनी चाहिए उन्हें इस मुद्दे में बात करनी चाहिए अगर सक्षम है आप तो सीधी सीधी बात यह है कि बंदूक के नोक पर खाकी वर्दी का खौफ हमको दिखाकर बजट पास कराने की ये नीति है बस सबसे पहले तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगी कि ये बैठक पूर्व में भी हो चुकी है जो 9 करोड़ का बजट हमारे जिला पंचायत बागेश्वर में आया था उसमें ये बैठक हो चुकी है उसमें सदन में सहमति न बनने के कारण दोबारा ये बैठक को किया गया इसमें भी अध्यक्ष पिछले में ऐसा था कि 40% अध्यक्ष महोदया ने लिया था और आज की बैठक में 100% अध्यक्ष महोदया के द्वारा इस बजट को बांटा गया है उसका विरोध करने के लिए हम लोग बैठे थे उसका विरोध हम लोग कर रहे थे अपर मुख्य अधिकारी के साथ वार्ता हमारी चली थी कोतवाल बागेश्वर आकर हम लोगों को सीधे सदन के अंदर आके हमको डराया आपके ऊपर ये धारा वो धारा लगा देंगे आपने कैसे बंधक अपर मुख्य अधिकारी को यहाँ पर बनाया है इस तरीके से धमका के आप अपर मुख्य अधिकारी का हाथ पकड़ा और ले गए इस तरीके का हम लोगों को वार्ता नहीं करने दी अपर मुख्य अधिकारी हम लोग सभी लोग अपनी अपनी कुर्सी में बैठे हुए थे अगर उसी को ये लोग बंधक मानते हैं तो बंधक किसको कहते हैं ये परिभाषा जो है कोतवाल बागेश्वर हम लोगों को समझे तो अभी धरने पे बैठा था कब तक आज धरने पे जब तक कोतवाल बागेश्वर हमको स्पष्ट नहीं कर लेते कि किस आदेश पर ये लोग जो है उसको अंदर आए हमारे सदन के अंदर स्पष्ट नहीं कर लेते और हमारे महिला सदस्यों को डराया धमकाया और धक्का महिला सदस्यों को खुद मेरे को धक्का दिया और पूजा आर्या जी सामने की कुर्सी में हम लोग सामने सामने बैठे थे हम दोनों को धक्का देकर तब अंदर आए हैं सीधे डराया है और पुलिसकर्मी महिला पुलिसकर्मी साथ में इनके नहीं थी और सीधे हम लोगों को डराया इसमें हमारा कोई महिला एक्ट वाली बात नहीं है सीधे डराने का प्रयास इन्होंने किया जिसको हम उजागर करते हैं बिल्कुल कोतवाल के खिलाफ है और उनके खिलाफ भी है जो इस खाकी के खौफ से अपना बजट पास करना चाहते हैं हमको डराना चाहते हैं हमारे जिला पंचायत में 3 भर्तियां जो है भर्ती घोटाले के ही तर्ज पर यहाँ पर भर्तियाँ की गई हैं इसके लिए भी हमने पूर्व में आवाज़ उठाई और उसकी जांच के लिए भी हमने लिखा लेकिन ये बार बार सत्ता के दबाव में हम लोगों की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं जांचों को बाहर नहीं आने दे रहे हैं मैंने कुछ दिन पूर्व भी मैंने जाँच के लिए लिखा है जिसमें CDO महोदय द्वारा बताया गया था कि पिछले महीने 29 तारीख को जाँच है लेकिन अभी तक वो जाँच नहीं हुई है और मेरे द्वारा जो माननीय अध्यक्ष को लेटर दिया गया था कि जो विवेकाधीन कोष है उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है पंचायत राज एक्ट में तो आज अध्यक्ष जी का मानना है कि हाँ ये नहीं हुआ है लेकिन आज से जो 3 साल तक इन्होंने जो बजट विवेकाधीन कोष के नाम पर अपना रख के बांटा है वो भी तो एक इनके द्वारा जो यहाँ पर गलती की गई है उसके लिए इन्होंने जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि जो इन्होंने आज तक जो बजट का घोटाला हुआ है उसको ये खुद मान रही हैं कि 3 साल तक जो विवेकाधीन बांटा है वो आज विवेकाधीन हटा दिया गया है और समाचार पत्रों के माध्यम से मैं जो देख रहा था कि इनके द्वारा कहा गया 40% जो विवेकाधीन रखा गया उसको हटा के सामान्य बजट कर दिया गया है लेकिन आज जब यहाँ पर हम लोग आए हम लोगों ने जब देखा जब ये लोग प्रस्ताव यहाँ पर ये अनुमानित धनराशि 9,18,70,000 की जो कार्य योजना इन्होंने यहाँ पर आज पास करने की ये कोशिश की गई है इसमें हमारे क्षेत्र को कोई भी बजट नहीं दिया गया है इन लोगों ने अपने मनमान से बंदर बांट करके पुनः जो पूर्व में चले आ रहे भ्रष्टाचार को पुनः इन्होंने जागृत किया है जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर आज माननीय सदस्य लोगों ने धरने में भी बैठे हैं
ताकि जो पूर्व में आ रही गलतियों को दोबारा ये लोग सुधार सकें। अगर ये इस तरीके से अगर नहीं सुधारते हैं तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के जाने के शरण में जाने के लिए बाध्य होंगे।